इन दिस सेक्शन आई एम गो टू डिस्कस अनादर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट इज इफ़ यू वॉन्ट टू जनरेट अ सर्टन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको ये मालूम है कि मैं एक सर्टन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को अर्न करने के लिए अपने जो एलोकेशन है ऑफ फंड बिटवीन रिस्की एंड रिस्क्री एसेट्स वो कैसे करूँ कितना हिस्सा या वॉट विल बी दर्पॉर्शन ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट विच आई शुड इन्वेस्ट इन द रिस्की एसेट एंड द रिस्क फ्री एसेट इन ऑर्डर टू जनरेट अ सर्टन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो अगर आपके पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू मालूम है तो आप उसकी मदद से कितना परपॉर्शन रिस्की एसेट में आपको डालना चाहिए वो वैल्यू को निकाल सकते हैं और उसके लिए आप वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो अभी थोड़ी देर में हमने डिस्कस किया था सो द फार्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इज गिवन एज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द रिस्क फ्री रिटर्न प्लस डब्ल्यू विच इज़ द पर ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन द रिस्की एसेट और उसके बाद फिर आप रिस्क प्रीमियम की वैल्यू को पुट अप करेंगे विच इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिस्की रिटर्न और माइनस द रिस्क फ्री रिटर्न तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम अगर इस्तेमाल करें हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए आपके पास रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न पता होना चाहिए आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना कमाना चाह रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को डाल के आप डब्ल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको रिस्की एसेट में टोटल इन्वेस्टमेंट का क्या प्रपोर्शन डालना चाहिए आप उस वैल्यू को निकाल सकते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज सम एक्जशंस और एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हम कुछ एक्सम्पन्स लगाने वाले हैं हम एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज जो आपका रिस्क प्रीमियम है यानी कि ई आर एस माइनस आर एफ वो एट परसेंट है विच इज़ जीरो पॉइंट जीरो एट और आपका जो रिस्क फ्री रिटर्न है या रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ सिक्स परसेंट तो आपने जो भी मैंने इक्वेशन आपको दिखाई थी उसमें आपने ये दोनों वैल्यूज़ को प्लग करा और आप अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नाइन परसेंट रखना चाहते हैं या 10% रखना चाहते हैं 11% रख, कोई भी वैल्यू रखना चाहते हैं तो आप वो वाली वैल्यू को इन गिवन वैल्यूज को अपने जो डाटा अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था मैं अभी दोबारा आपको लिख देती हूँ, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस w ers माइनस rf इस पर्टिकुलर चीज के अंदर इस पर्टिकुलर फार्मूला में आप ये वाली वैल्यू आपको पता है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट है इस वैल्यू का बताया गया है ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ़ रिटर्न आप नाइन परसेंट निकालना चाहते हैं विच कैन बी रिटर्न एज जीरो पॉइंट जीरो नाइन तो आप इसको डब्ल्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नौ फ़ीसद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कमाने के लिए आपको अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट वो हम एज्यूम करें सपोज़ एक लाख रुपये या पचास लाख रुपये है का कितना परपॉर्शन कितना हिस्सा रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए तो इस एग्ज़ाम्पल को हमने डब्ल्यू के लिए इस इक्वेशन को हमने डब्ल्यू के लिए सॉल्व करा वी गॉट दिस वैल्यू ऑफ़ जीरो पॉइंट थ्री सेवन फ़ाइव जीरो पॉइंट थ्री सेवन फ़ाइव का मतलब है कि अगर आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ़ रिटर्न नाइन परसेंट अर्न करना चाहते हैं तो आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो को इस तरह से बनाने कि रिस्की एसेट के अंदर आपको थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट डालना पड़ेगा रिस्की एसेट के ऊपर ऑफ़ द टोटल इन्वेस्टमेंट और बाकी का जो 62.5 परसेंट है वो आप रिस्क लेस एसेट में डाल देंगे तो फिर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 9 परसेंट हो सकता है इसी तरह से अगर आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कम या ज्यादा करना चाहें उसको आप प्लग करेंगे इस इक्वेशन में W के लिए सॉल्व कर लेंगे यू विल बी एबल टू फाइंड आउट के हाउ मच ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट शुड बी इन्वेस्टेड इन द रिस्की एसेट एंड द रिस्क एसेट सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू डिसाइड के हमें अपने प्रोपोर्शंस को कैसे एलोकेट करना है टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए